हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज बात करूंगा उस मुद्दे के बारे में, उन न्यूज के बारे में जिसमें कहा जा रहा है कि जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उन सबको ई कॉमर्स पोर्टल पे बेचने के लिए आपको वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल किसी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन को नहीं बेच सकता। तो उसी मुद्दे के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, किन आयुर्वेदिक मेडिसिन को, किन यूनानी सिद्धा मेडिसिन को आप ऑनलाइन बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकते हो, नहीं बेच सकते हो, उनके बारे में बात करेंगे। अगर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सभी ई कॉमर्स पोर्टल्स को एडवाइजरी जारी करी है कि जिन आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन में वो हर्ब्स है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के शेड्यूल E1 के अंतर्गत आती है। शेड्यूल E1 ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल का एक पार्ट है जिसमें उन सभी पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट दी गई है जो आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन में यूज होते हैं और जिनके काफी पॉइजनस इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत हैवी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी डिटेल दी गई है। तो केवल उन प्रोडक्ट के लिए जिनमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो शेड्यूल E1 में आता है और उस आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन में प्रेजेंट है, तो उनको बेचने के लिए किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल को एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी क्योंकि उनके काफी भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ये एडवाइजरी जारी करी गई है। तो एडिशनली काजन शब्द का वहां पे उपयोग होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होना चाहिए। काजन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में वहां पे यूज होना चाहिए। तो ई कॉमर्स पोर्टल पे केवल उन्हीं मेडिसिन में जिसमें E1 से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स और हर्ब्स डिफाइन करी गई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में वो हो, तो केवल उनके लिए एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी और किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, सिद्धा यूनानी मेडिसिन को बेचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी। तो अगर हम डिटेल में बात करते हैं कि E1 में कुछ होती है, थोड़ा एग्जांपल दूंगा, सारी हब्स की बात नहीं करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाके पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो कि कौन सी यूनानी ड्रग के अंदर में मेडिसिन आती है, आयुर्वेदिक के अंदर आती है, सिद्धा के अंदर आती है, जो शेड्यूल E1 के अंदर आती है, पॉइजनस सब्सटेंसेस माना जाता है जिनको और जिनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और वो आपकी मेडिसिन में है या नहीं है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो और फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी या नहीं होगी। अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर हम कुछ बात करते हैं तो भांग उसमें है, अगर दंती है, दतूरा है, गांजा है, जायफल है, अगर एनिमल ओरिजिन की बात करते हैं तो सांप का अगर जहर है, अगर हम मिनरल की बात करते हैं तो पारा है उसमें, हड़ताल है, रस कपूरा है, और अगर हम सिद्धा सिस्टम की बात करते हैं तो अबिनी, अलारी, अतारू, इथी, ये कुछ हर्ब्स है। अगर हम यूनानी की बात करते हैं तो बीस बंग, चरस, दतूरा सीड, कुचला, सोकरन, और एनिमल ओरिजिन में सांप का हेड आ जाता है, तेलनी मक्खी आ जाती है। अगर हम मिनरल ओरिजिन की बात करते हैं, हीरा, रस कपूर, जिंगर, तो कुछ हर्ब्स है ये ऐसी, पूरी डिटेल नहीं मैंने बताई है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां से जाके आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो। तो अगर आपकी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन में इससे रिलेटेड कोई हर्ब्स है तो वो आपकी मेडिसिन को बेचने के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी, उसके बिना वो नहीं बेची जा सकती है। तो अगर हम डिटेल में हमने यहाँ पे बात करी है तो केवल उन्हीं मेडिसिन के लिए, उन्हीं आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए जिनमें शेड्यूल E1 से रिलेटेड कोई सब्सटेंस है, उनके लिए ही ई कॉमर्स पोर्टल को एक वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी बेचने के लिए, और किसी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन को आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकते हो क्योंकि वो इतनी खतरनाक, उनके साइड इफेक्ट नहीं होते इतना ज्यादा, आप पे वो कोई असर नहीं दिखाएगी गलत।